नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एसटीएफ के नाम पर शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी बताकर रंगदारी वसूलने वाले राजकुमार यादव, रुद्र प्रताप यादव उर्फ आरपी और गिरधारी लाल जायसवाल सहित तीन अभियुक्तों को एसटीएफ और कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आर्मी में उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के नौजवानों को फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर भाग जाने के आरोपी शातिर अभियुक्त नन्हेलाल यादव को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्राइवेट बसों से अवैध वसूली की शिकायत पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने प्राइवेट बस स्टैंड का किया निरीक्षण। कहा, अवैध वसूली करने वाले एक अभियुक्त को सोमवार को भेजा गया है जेल, बाकियों की जुटाई जा रही है जानकारी, की जाएगी कार्यवाही। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया विशेष वाहन चेकिंग अभियान, 600 से अधिक वाहनों का किया गया चालान। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, वाहन चलाते समय अवश्य करें यातायात नियमों का पालन। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने गहन परीक्षण के बाद गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग को घोषित किया मेंटर इंस्टीट्यूट। बना पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला मेंटर इंस्टीट्यूट। अब तक प्रदेश के सिर्फ 12 नर्सिंग कॉलेज ही बने हैं मेंटर इंस्टीट्यूट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य नर्सिंग कॉलेजों का करेगा मार्गदर्शन। ब्रह्मपुर ब्लॉक के चार विद्यालयों का डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने किया निरीक्षण। जांचा अध्यापकों व बच्चों की उपस्थिति, भोजन की गुणवत्ता को किया चेक। कहा, रिपोर्ट जिलाधिकारी को किया जा रहा है प्रेषित। तीन दिवसीय प्रदेश स्तरीय महिला हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल के अंतर मंडलीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। महिला हैंडबॉल में अयोध्या ने बस्ती मंडल को तथा बास्केटबॉल में गोरखपुर ने वाराणसी मंडल को पराजित करके बनी चैंपियन। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, स्पोर्ट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत है जरूरी। स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत शास्त्री चौक पर चलाया गया सफाई अभियान। दुकानों के बाहर रखे कूड़े को किया गया साफ, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। आगामी दुर्गा पूजा, विजयदशमी, लक्ष्मी पूजा व छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग की बैठक सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, प्रत्येक स्थानों पर साधारण कपड़े में सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन, रखेंगे अराजक तत्वों पर अपनी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुज के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में धर्म स्पोर्टिंग ने घोसी एकादश को 1-0 से तथा सेंट जूड्स स्कूल ने एमपी फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर पूरे अंक किए हासिल। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। और मंगलवार को ही झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को मिली निजात। भारी वर्षा के कारण गोला तहसील के 25 गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, राहत सामग्री करवाया जा रहा है उपलब्ध। अब खबरें विस्तार से। एसटीएफ और कैंट थाने की पुलिस ने शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी बताकर एसटीएफ के नाम पर रंगदारी वसूलने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राजकुमार यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी बनकटिया तिवारी थाना श्याम देउरवा जनपद महाराजगंज, दूसरा रुद्र प्रताप यादव उर्फ आरपी पुत्र स्वर्गीय सरजू यादव निवासी ग्राम
ज्योतबगही पोस्ट भवापार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, तीसरा गिरधारी लाल जायसवाल पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम आमा बाजार थाना गौर जिला बस्ती के रूप में हुई है। जिनके पास से 4 मोबाइल, 1 आधार कार्ड, 1 निर्वाचन कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 DL, 2 पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, 1 शपथ पत्र की फोटो कॉपी को बरामद किया गया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी मुकदमा जो कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय जानीपुर ब्लॉक कौड़ी राम जनपद गोरखपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है, 10 अगस्त को वादी उपरोक्त को एक स्पीड पोस्ट डाक से मिला जिस पर रुद्र प्रताप पुत्र सरजू पता शिवपुर सहबाजगंज नहर रोड पादरी बाजार जनपद गोरखपुर अंकित था। उस पत्र में बीपीएड का अंक पत्र फर्जी होने की बात कहकर एसटीएफ बीएसए ऑफिस में शिकायत करने के नाम पर धमकी देकर पैसा मांगा जा रहा था। 1-2 दिन बाद दोबारा वादी के मोबाइल पर बार बार फोन और मैसेज से पैसा मांगा जा रहा था और पैसा ना देने पर जान से मारने की धमकी देते और पैसे के लिए वादी को बहुत परेशान कर रहे थे। 19 सितंबर को उन लोगों द्वारा वादी को पैडलेगंज बुलाया गया और कहा गया कि अगर आज पैसा नहीं दोगे तो पक्का तुम्हारी हत्या कर देंगे, जिसके बाद वादी काफी डर गया और थाना कैंट में इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करवाया। अभियुक्तों से पूछताछ में यह बात पता चली कि गिरधारी जायसवाल जो वर्तमान में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है, अपने विभाग का डाटा चुराकर अपने साथी राजकुमार यादव जो फर्जी अंक पत्र पर नौकरी करने के कारण बर्खास्त शुदा अध्यापक व रुद्र प्रताप को देते हैं और सभी के द्वारा ऐसे लोगों को लक्ष्य किया जाता है जिनके अंक पत्र व डॉक्यूमेंटों में कोई कमियां हैं। साथ ही साथ अध्यापकों को एसटीएफ व बीएसए ऑफिस में शिकायत करने का डर दिखाकर रंगदारी मांगी जा रही है व पैसा ना देने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वादी के द्वारा पंजीकृत मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, एसटीएफ प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार, कांस्टेबल राकेश यादव, संजीत यादव, हेड कांस्टेबल अभिलाष कुमार तिवारी, चंद्रभूषण सिंह, आशुतोष कुमार तिवारी, गुंजन सिंह, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, अखिलेश श्रीवास्तव, इमरान खान, अशोक कुमार सिंह, कांस्टेबल गौरव सिंह, विनय कुमार सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, मोहित गौर शामिल रहे। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने नौजवानों को सेना में फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर भाग जाने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान नन्हे लाल यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी रजवल थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य राजस्थान झारखंड तथा बिहार में आर्मी की भर्ती देखने वाले लड़कों को ले जाकर फर्जी सेना के अफसरों से मिलवाकर विश्वास में लेकर उनसे रुपए ले लेना तथा गारंटी के तौर पर अपने नाम का ब्लैंक चेक हस्ताक्षर करके देने तथा नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए कई लोगों से लेकर भाग जाने के आरोप में अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सिकरीगंज थाना प्रभारी दीपक सिंह, उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह, अशोक दीक्षित, कांस्टेबल अनुज यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, आज थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर पुलिस को सिकरीगंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 136/22 अंतर्गत धारा 419, 20, 467, 68, 71 IPC में मुख्य अभियुक्त नन्हेलाल यादव को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इनका एक गिरोह है जो बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिलाने के नाम पर अपने प्रभाव में लेते हैं और फिर उनसे मोटी रकम ऐंठते हैं। पूरी पूछताछ में पता ये चला है
कि कैलाश यादव नाम का एक व्यक्ति है, उसके साथ एक शुक्ला, प्रमोद गिरी और ये नन्हेलाल, ये तमाम युवाओं से सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख 7 लाख 8 लाख और इससे ज़्यादा भी रुपए लिए हैं। इस तरह से ठगे गए नौजवानों की संख्या भी दर्जन भर से ज़्यादा है। उन नौजवानों को ये झांसी, रांची, जयपुर, लखनऊ, विभिन्न स्थानों पर ले जा करके और किन्हीं संस्थान में घुमा फिरा करके गुमराह करते रहे और उनसे पैसा लेकर के उनको उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहे। ऐसी प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जुलाई महीने में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसकी तफ्तीश आरंभ हुई तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एक मुकदमा सहजनवा में भी इसी तरह का पहले से लिखा हुआ है। तमाम आवेदक, जब उन्हें पता चला है कि नन्हेलाल पकड़ा गया है, वैसे तमाम नौजवान जो अभी भी ये मान के चल रहे थे हो सकता है वो नौकरी दिला दें, भ्रम में थे, उन्हें भी लगा कि अब उनके साथ धोखा हुआ है और उनकी ओर से भी तहरीरें आना शुरू हो गई हैं। इनके खिलाफ मुकदमे लिख करके आगे आने वाले समय में गैंगस्टर एक्ट में भी इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और इस तरह से नौजवानों से धोखाधड़ी करके अर्जित की गई जो संपत्ति है उसको 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क भी कराया जाएगा। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने अवैध वसूली की शिकायत पर कुल सचिव आवास के बाहर बने प्राइवेट बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में 2 महीने पहले 5 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग को अलॉट किया गया था, जिसमें से एक पार्किंग स्थल DDO कुल सचिव के घर के पास स्थित है। वहां पर अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कैंट थाने में 3 मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको देखते हुए सोमवार को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा स्टैंड का निरीक्षण किया गया है और लोगों से उनकी समस्याओं को जाना गया है। लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन कौन से लोग वसूली में शामिल हैं, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले 5 पार्किंग स्थलों का निर्धारण कर जिला प्रशासन द्वारा उनको पार्किंग का अलॉटमेंट किया गया था। उनमें से एक पार्किंग स्थल जो कि रजिस्ट्रार कुल सचिव गोरखपुर यूनिवर्सिटी के घर के पास में स्थित है,
उसमें अवैध वसूली की शिकायत हुई थी। शिकायत के आधार पर कल दो मुकदमे पंजीकृत, तीन मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं एवं जो अभियुक्त जिनके खिलाफ वसूली के आरोप लगाए गए थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब और हम दोनों स्वयं मौके पर आए हैं यहाँ के लोगों से पूछताछ करने के लिए कि किस प्रकार की समस्याएं बस वालों को सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ कौन कौन लोग हैं जो वसूली में लिप्त हैं, ताकि इसके बाद उन लोगों के खिलाफ भी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। थैंक यू। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन तिराहा, दिग्विजयनाथ महाविद्यालय तिराहा, सिटी मॉल तिराहा, आरटीओ तिराहा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि स्कूली बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिगत जो बच्चे व्यक्तिगत रूप से अपने वाहन से स्कूल आते हैं और जो बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना जीएल एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं, उसको देखते हुए स्कूली छात्रों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 600 वाहनों का चालान किया गया तथा सभी बच्चों को हिदायत दिया गया कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अवश्य पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अक्सर ये देखा गया है कि टीनेजर्स बच्चे, स्कूली बच्चे जो कि स्कूल के लिए बिना लाइसेंस के और बिना हेलमेट के जाते हैं, जिससे कि दुर्घटना होने का और ज़्यादा खतरा रहता है। और बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के बच्चों को बिल्कुल वाहन नहीं चलाना चाहिए। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बारे में उनके अभिभावकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके बच्चों की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। इस अभियान के दौरान आज वाहन चेकिंग में करीब 600 से अधिक वाहनों का चालान हुआ है। अभी डेटा अपडेट किया जा रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि बच्चे जब स्कूल के लिए जाएँ तो टीनेजर बच्चों के लिए बिना लाइसेंस या बिना हेलमेट के बिल्कुल घर से ना जाने दें। नर्सिंग शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाने वाले गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के खाते में एक नायाब उपलब्धि जुड़ गई है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय से संबद्ध इस नर्सिंग कॉलेज को उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने मेंटर इंस्टीट्यूट घोषित किया है। मेंटर इंस्टीट्यूट घोषित होने से गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य नर्सिंग कॉलेजों संस्थानों के लिए पथ प्रदर्शक व परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेगा। नर्सिंग क्षेत्र को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तंत्र की आधारशिला समझा जाता है। इस क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में नर्सिंग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में संसाधन से लेकर योग्य फैकल्टी की उपलब्धता तथा समग्र रूप से नर्सिंग क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा राज्य के 12 नर्सिंग कॉलेजों संस्थानों को मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में चयनित किया गया है। इनमें से लखनऊ और गोंडा के एक एक कॉलेजों के बाद शेष समूचे उत्तर प्रदेश में मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में एकमात्र गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का चयन किया गया है। मेंटर के रूप में उन नर्सिंग कॉलेजों को चुना गया है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा तय सभी मानकों पर खरे उतरे हैं। स्टेट मेडिकल फैकल्टी से आए विशेषज्ञों द्वारा संसाधन, तकनीकी, शैक्षणिक स्टाफ आदि के गहन एवं कड़े प्रशिक्षण के बाद गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग को मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में चयनित किया गया है। मेंटर के रूप में गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों संस्थानों का पर्यवेक्षण करते हुए उनके गुणवत्ता संवर्धन हेतु परामर्श देगा, ताकि पूरे देश के लिए योग्य नर्सिंग स्टाफ तैयार किए जा सके। नर्सिंग शिक्षा की मॉनिटरिंग के लिए एक तरह से उसकी भूमिका उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के साझेदार के रूप में होगी। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य डॉक्टर डीएस अजीता ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से मिली जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कॉलेज प्रदेश में नर्सिंग एजुकेशन के उन्नयन की दिशा में कार्य करने को संकल्पित है। गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना ब्रह्मलीन गोरख पीछाधीश्वर महंत अवैधनाथ के मार्गदर्शन में वर्ष 2009 में हुई थी। वर्तमान में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में संबंध इस कॉलेज की गिनती उत्तर प्रदेश के शीर्ष नर्सिंग कॉलेजों में होती है। यहाँ ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एवं MSc नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रम संचालित हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी बताते हैं कि गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा तय सभी मानकों पर उत्कृष्ट है। इसी उत्कृष्टता के कारण ही इसे मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में चयनित होने का गौरव हासिल हुआ है। यह कॉलेज योग्य अनुभवी और सक्षम फैकल्टी, बेहतरीन भौतिक बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय से सुसज्जित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों को मूल अस्पतालों में नैदानिक सिखाने का अवसर मिलता है, जो बहु अनुशासनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अन्य संबद्ध अस्पताल और सामुदायिक केंद्र हैं। DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने ब्रह्मपुर ब्लॉक के 4 विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ब्रह्मपुर ब्लॉक के 4 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पहला विद्यालय प्राइमरी स्कूल विशुनपुरा, कंपोजिट विद्यालय विशुनपुरा, प्राइमरी विद्यालय गोपालपुर, प्राइमरी विद्यालय डुमरी का निरीक्षण किया गया। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई को चेक किया गया। MDM के तहत भोजन की गुणवत्ता को चेक किया गया, साफ सफाई, शौचालय, बाथरूम को चेक किया गया। इसके अलावा अध्यापकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति को भी चेक किया गया तथा कंपोजिट गांव में जो धनराशि आती है उनको किन चीज़ों में खर्च किया गया है उसको भी चेक किया गया। उन्होंने बताया कि एक विद्यालय में मेन्यू से हटकर भोजन बनाकर छात्रों में वितरित किया गया, एक विद्यालय में किचन नहीं था तथा एक विद्यालय में टीचर उपस्थित नहीं थे, जिसको देखते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा,
हम लोगों के द्वारा ब्रह्मपुर ब्लॉक के चार विद्यालय का निरीक्षण किया गया। पहला विद्यालय था प्राइमरी स्कूल बिशनपुरा, उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिट विद्यालय बिशनपुरा, फिर प्राइमरी विद्यालय गोपलापुर और प्राइमरी विद्यालय डुमरी का निरीक्षण किया। वहाँ पर सभी तरह के कार्यों का निरीक्षण करना था, पठन पाठन से लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है उसकी उसका निरीक्षण करना था। उसके अलावा क्या MDM में खाना की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है, उसके अलावा जो किचन सेट उपलब्ध है या नहीं है, साफ़ सफाई क्या व्यवस्था है, टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, और बच्चे उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टीचर सबसे इम्पोर्टेंट कि अध्यापक उपस्थित हैं या नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने जाँच करी थी। प्लस जो कंपोजिट ग्रांट में जो धनराशि आती है उसका किस तरह से खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ों पर जाँच करनी थी। उसके आधार पर हम लोगों ने जो विद्यालय में जाँच किया उसमें कुछ कुछ जगह, एक जगह हमने ये पाया कि प्राथमिक विद्यालय बिशनपुरा में पाया कि जो तय मानक के अनुसार कल रोटी और सब्जी बननी थी पर उसकी जगह पर तहरी लोगों को मतलब बच्चों को सर्व किया जा रहा था, उसके लिए हमने लिख दिया, उसके ऊपर नोटिस उनको सर्व किया जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो मेन्यू था मेन्यू के अनुसार भोजन क्यों नहीं दिया गया। और किचन सेट नहीं था प्राथमिक विद्यालय बिशनपुरा में, तो प्रधान जी को निर्देशित किया गया है कि धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सचिव को बताया गया कि किचन अगर बन सकता है तो निर्माण कराया जाए। और जो कंपोजिट विद्यालय बिशनपुरा है वहाँ पर हैंडपम्प, और ये हैंडपम्प सही था परंतु समरसेबल ख़राब था जो UPPCL द्वारा लगाया गया, तो उनको बताया गया है कि UPPCL को निर्देशित किया गया कि वो अपना जो समरसेबल है उसको सही कराएं। स्टूडेंट की उपस्थिति थोड़ी कम थी तो बताया गया कि जीतिया होने की वजह से स्टूडेंट की उपस्थिति कम थी। टीचर 3 एबसेंट थे पर ये बताया गया कि टीचर के एबसेंट होने का कारण ये है कि वो BRC में निपुण भारत की ट्रेनिंग गए होते हैं, ज़्यादातर टीचर प्रेजेंट थे, मे बी उनको पता लग गया हो कि हमारे आने का हो जो भी है, पर टीचर ज़्यादातर प्रेजेंट थे। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था, कुछ कुछ जगह पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 जगह ध्वस्तीकरण के लिए स्कूल का अतिरिक्त कक्ष गए हुए थे, वो अभी तक ध्वस्तीकरण नहीं हुआ, उसके लिए बारे में मैंने अपने बीएससी साहब से बात कर दी कि जो भी ध्वस्तीकरण का प्रोसेस को तेज़ करा करके वहाँ ध्वस्तीकरण कराया जाए। और एक जगह और किचन का प्रॉब्लम था तो वहाँ पर ये बताया गया कि किचन का निर्माण कराया जाए। दिव्यांग शौचालय कहीं नहीं थे, वहाँ पर प्रधान जी और सचिवों को निर्देशित किया गया कि इसकी उपलब्धता धन की उपलब्धता के आधार पर और दिव्यांग शौचालय का भी निर्माण कराया जाए, खासतौर से वहाँ जहाँ कम से कम एक दिव्यांग बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोरखपुर के तत्वावधान में 3 दिवसीय चल रहे प्रदेश स्तरीय महिला हैंडबॉल बास्केटबॉल अंतर मंडलीय प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला एवं समापन तथा पुरस्कार वितरण का समारोह संपन्न हुआ, जिसमें महिला हैंडबॉल में अयोध्या ने बस्ती को तथा बास्केटबॉल में गोरखपुर ने वाराणसी मंडल को पराजित करके चैंपियन बनी, जिसकी मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी रही, जिनको क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया कि स्पोर्ट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि खेलने से शरीर स्ट्रांग बनता है। उन्होंने कहा कि कोई भी खेल खेलते समय खिलाड़ी को हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि खेल को ईमानदारी से खेलना चाहिए। बास्केटबॉल और हैंडबॉल से बच्चों की लंबाई में वृद्धि होती है। वही क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि 3 दिवसीय प्रदेशीय हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 मंजिलों से 432 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें हैंडबॉल में अयोध्या ने बस्ती मंडल को पराजित किया तथा बास्केटबॉल में गोरखपुर ने वाराणसी मंडल को पराजित करके चैंपियन बना। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मनीष सिंह, रंजना गुप्ता, प्रेम नाथ शुक्ला, वेद प्रकाश दुबे, मिथिलेश शर्मा सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, माननीय श्रीमती अंजू चौधरी जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, किसी को जो समय उन्होंने दिया था सही समय से आई है, मैं उनको नमन करता हूँ। और ये उसी तरीके का खेल कर रहे हैं ना हमारे यार।
राय साहब बैजनाथ मिश्रा जी इस बात को आपने बिल्कुल साबित करना है, हम आप सफलतापूर्वक संपन्न कराने में कराई है मैं उनके गाड़ी हेडबॉल श्री संजय राय जी आप लोग इस साइड में खाली है दो विक्ट्री बनाओ ये निरैया रानी अर्चना सिंह चौहान उर्षिता त्रिपाठी माधवी गुप्ता खेल करें रनर्स और विनर्स ट्रॉफी बोलो कसके अरे चिल्लाओ यार 13 नंबर जर्सी की बनारस की खिलाड़ी खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में बास्केटबॉल और हैंडबॉल संघ के समन्वय से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महिला खेल समारोह हैंडबॉल बास्केटबॉल का है, इसमें 18 मंडलों से 432 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है और ये 3 दिवस का टूर्नामेंट है। 18 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ था और आज इसका समापन है। समापन के मध्य बास्केटबॉल के अंदर गोरखपुर और वाराणसी मंडल के मध्य मैच खेला जा रहा है, अभी गोरखपुर लीड कर रहा है। इसके साथ ही साथ बस्ती और अयोध्या मंडल हैंडबॉल के अंदर फाइनल में खेल रहे हैं, मैच लगभग समापन की ओर है। इस प्रकार से एक बहुत ही 3 दिन के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण खेलों का यहाँ मिला खिलाड़ियों को। बाहर से सभी मंडलों से खिलाड़ी आए थे, उन्होंने बहुत एंजॉय किया और एक खेल भावना के साथ सभी लोगों ने इसमें भाग लिया है। सभी खिलाड़ियों के लिए जो विजेता उपविजेता खिलाड़ी हैं उनके लिए सबके लिए पुरस्कार हैं और जो ट्रॉफीज़ हैं विजेता उपविजेता खिलाड़ियों के लिए ट्रॉफीज़ हैं। और जो अभी हमारे मध्य आज की चीफ गेस्ट हैं श्रीमती अंजू चौधरी जी, उनके कर कमरों से द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में लड़कियों का हैंडबॉल और बास्केटबॉल इसका कंपटीशन हो रहा है और इसमें 18 प्रांतों से हमारी बच्चे आई हैं और आज फाइनल्स है। 2 टीम खेल रही है अभी और जल्द इसका समापन भी हो जाएगा और ये बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों को इतना इनकरेज किया जा रहा है। ये मोटिवेशन करने का काम पेरेंट्स कर सकते हैं या तो जो कोई गेम्स वाले उनके घर में स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको स्ट्रॉन्ग करता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी इससे आता है और इसमें हार जीत सोचना नहीं चाहिए, बस अपने खेल ईमानदारी से खेलना चाहिए। और ये जो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल हो या हैंडबॉल हो, इन सबों से बच्चों की हाइट बढ़ती है, इसलिए बचपन से ही इन लोगों को इनकरेज करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ वेरी हेल्दी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लंबाई अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मेंटल रिलैक्सेशन होता है।
तो मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के जो यहाँ आर्य हैदर साहब उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है, और साथ में हमारे मनीष सिंह जी हैं जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं और स्पोर्ट्स में विशेष रुचि देते हैं। हमारे साथ कर्नल साहब हैं, कर्नल के एम सिंह साहब, साथ ही साथ हमारी मीडिया प्रभारी महानगर की रंजना गुप्ता भी हैं, और प्रेम पराया जो कि सबके बहुत ही पहचाने और जाने माने यहाँ के खिलाड़ी रहे हैं, प्रेम शुक्ला वो भी यहाँ पर हैं, और हम सब विटनेस कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फाइनल गेम चल रहा है और एंड होने वाला जल्द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एसटीएफ के नाम पर शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी बताकर रंगदारी वसूलने वाले राजकुमार यादव, रुद्र प्रताप यादव उर्फ आरपी और गिरधारी लाल जायसवाल सहित तीन अभियुक्तों को एसटीएफ और कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आर्मी में उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के नौजवानों को फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर भाग जाने के आरोपी शातिर अभियुक्त नन्हेलाल यादव को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्राइवेट बसों से अवैध वसूली की शिकायत पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने प्राइवेट बस स्टैंड का किया निरीक्षण। कहा, अवैध वसूली करने वाले एक अभियुक्त को सोमवार को भेजा गया है जेल, बाकियों की जुटाई जा रही है जानकारी, की जाएगी कार्यवाही। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया विशेष वाहन चेकिंग अभियान, 600 से अधिक वाहनों का किया गया चालान। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, वाहन चलाते समय अवश्य करें यातायात नियमों का पालन। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने गहन परीक्षण के बाद गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग को घोषित किया मेंटर इंस्टीट्यूट, बना पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला मेंटर इंस्टीट्यूट। अब तक प्रदेश के सिर्फ 12 नर्सिंग कॉलेज ही बने हैं मेंटर इंस्टीट्यूट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य नर्सिंग कॉलेजों का करेगा मार्गदर्शन। ब्रह्मपुर ब्लॉक के चार विद्यालयों का डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने किया निरीक्षण, जांचा अध्यापकों व बच्चों की उपस्थिति, भोजन की गुणवत्ता को किया चेक। कहा, रिपोर्ट जिलाधिकारी को किया जा रहा है प्रेषित। तीन दिवसीय प्रदेश स्तरीय महिला हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल के अंतर मंडलीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। महिला हैंडबॉल में अयोध्या ने बस्ती मंडल को तथा बास्केटबॉल में गोरखपुर ने वाराणसी मंडल को पराजित करके बनी चैंपियन। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, स्पोर्ट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत है जरूरी। स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत शास्त्री चौक पर चलाया गया सफाई अभियान। दुकानों के बाहर रखे कूड़े को किया गया साफ, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। आगामी दुर्गा पूजा, विजयदशमी, लक्ष्मी पूजा व छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग की बैठक सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, प्रत्येक स्थानों पर साधारण कपड़े में सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन, रखेंगे अराजक तत्वों पर अपनी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुज के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में धर्म स्पोर्टिंग ने घोसी एकादश को 1-0 से तथा सेंट जूड्स स्कूल ने एमपी फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर पूरे अंक किए हासिल। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। और मंगलवार को ही झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को मिली निजात। भारी वर्षा के कारण गोला तहसील के 25 गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, राहत सामग्री करवाया जा रहा है उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत नगर निगम द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम में मंगलवार को शास्त्री चौक पर सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि नगर निगम इंडिया वर्सेज गार्बेज व इंडियन स्वच्छता लीग द्वारा गार्बेज मुक्त हेतु गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क एवं ओपन जिम में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा वहाँ से बाहर निकल कर महात्मा गांधी की मूर्ति को गंदगी मुक्त किया गया तथा नगर निगम की सफाई टीम शास्त्री चौक पर पहुंची। वहां पर आसपास के दुकानों के बाहर रखे कूड़ों को साफ किया गया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त प्रथम दुर्गेश मिश्रा, लेखाधिकारी रवि सिंह, सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी, अविनाश प्रताप सिंह छोटेलाल सहायक लेखाधिकारी, मुख्य सफाई खाद्य निरीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे, सफाई निरीक्षक, सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने कहा, करवालो पूरी दवाई यहाँ से लेकर पूरी एनआईवी साफ कर लो। एक मड़ाई जाएगी बस लड़ाई ठीक है तो ले लेना उड़ा के आगे मार दो पूरा यह सफाई अभियान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम एक स्वच्छता लीग में प्रतिभाग कर रहे हैं नगर निगम गोरखपुर। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक दिवस के कार्य योजना बना के हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो अभियान था तो महत्वपूर्ण चौराहों और पार्कों की सफाई करना था, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनमानस आते हैं और आके यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और इस रूट पे तमाम पब्लिक निकलती रहती है। तो ऐसे दो चौराहों को शास्त्री चौराहा और गांधी चौराहा टाउन हॉल चौराहा के साथ साथ हम महारानी लक्ष्मीबाई पार्क का भी स्पष्ट बृहद सफाई अभियान हम लोगों ने चलाया था। संपूर्ण सफाई अभियान के द्वारा यहाँ हमारे जनमानस से जन सहभागिता भी देखने को मिली, आम जनता भी शामिल हुई, नगर निगम के समस्त कर्मचारीगण अधिकारीगण उपस्थित रहे हैं और इस अभियान को हम आगे बढ़ाते हुए लगातार इस अभियान को 2 अक्टूबर तक चलाएंगे, जिसमें शहर के महत्वपूर्ण चौराहे, पार्क और जो भी सार्वजनिक स्थल है, अमृत सरोवर, अमृत उद्यान है, उन सब की संपूर्ण सफाई का अभियान है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन दिवस के अवसर पर हम लोग इसे बेहतर तरीके से और उसको प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। आगामी दुर्गा पूजा, विजयदशमी, लक्ष्मी पूजा व छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग की सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैंक रोड स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में बैठक किया गया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के वार्डन हर पर्व त्योहारों में निस्वार्थ भाव से सेवारत रहकर ड्यूटियों का निर्वहन करते हैं। आगामी दुर्गा पूजा में भी सभी वार्डनों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि वार्डन प्रत्येक स्थानों पर साधारण कपड़े में सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। साथ ही निर्देशित भी किया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपने मुख्य वार्डन या प्रशासन को सूचना देंगे। कैमरा मोबाइल के द्वारा पूजा के दौरान अराजक तत्वों पर भी अपनी पैनी नजर रखेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा पंडालों में अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण यदि उपलब्ध नहीं होता है तो समिति के सदस्यों से कहकर उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर डिविजनल वार्डन विकास जालान, ड्यूटी
डिप्टी डिविजनल वार्डन मुर्तज आलम, सचिव अभिषेक चटर्जी, उपाध्यक्ष विजय कृष्ण नंदी, मनोज कुमार मिश्रा, आदर्श आनंद, अनुपम गुप्ता, राजेंद्र कुमार, विजय उपाध्याय, मनीष सोलंकी, सुरेश सैनी, एजाज अहमद, शालिनी वर्मा, आरजू खान, हुमैरा खातून सहित अनेकों वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा, उन्होंने चाहता था कि आप लोगों से एक फेस टू फेस मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत का आदान प्रदान हो जाए, क्योंकि सिविल डिफेंस एक ऐसी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम लोगों की जो पीपल टू पुलिस रेशियो होता है उसको पूरा करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत बनारस जिले से की है, तो वहाँ पे क्योंकि जब नौकरी में आने से पहले बहुत ज़्यादा मुझे उसको स्वयं की जानकारी नहीं थी कि सिविल डिफेंस होता क्या है, इसका पूरी संगठनात्मक रचना किस तरीके से होती है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलता है और किस तरीके से समाज के महत्वपूर्ण जो तेल की हैं, त्यौहार हैं, आपके पर्व हैं, उनमें अपनी अपनी भूमिका निभाता है। तो बनारस से जब मैं था तो शहरी क्षेत्र में सिविल डिफेंस की कार्य प्रणाली को बहुत ही नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला, देखने का मौका मिला। ऐसा ही एक उच्च स्तर का रहा है, मतलब तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव तो ये है और आप लोग भी जानते हो कि कभी भी सिविल डिफेंस की कार्य प्रणाली पर कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क या इंगित करना इस तरीके से मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। और क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताया कि जो पुलिस टू पीपल रेशियो है कि प्रत्येक लाख जनता पे कितनी पुलिस होनी चाहिए, उसको आप लोग काफ़ी हद तक पूरा करते हैं। सिविल डिफेंस का अगर मतलब शाब्दिक अर्थ में सब लोग आपको सिविल डिफेंस से ही बताने का तो कोई औचित्य है नहीं, फिर भी जैसे कि शाब्दिक अर्थ देखें तो आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ट्रेड पीपल का है जो कि पुलिस और आर्मी या आर्म फोर्स से न होते हुए वो कार्य करते हैं जो कि आपदा के समय या किसी इमरजेंसी के समय एक ज़रूरत होती है। क्योंकि आप इधर दो या तीन त्यौहार काफ़ी अच्छे से व्यतीत हुए हैं, मोहर्रम में मैं स्वयं देखा था कि रात 1:30-2 बजे तक 3 बजे तक आप लोग अपनी मतलब पोस्ट को संभाले हुए थे, और सबसे कोई भी तीन त्यौहार होता है तो कहीं आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि आप कहीं डंडा लेके सरकारें या स्वयं उलझ जाए, क्योंकि आपकी मौजूदगी रहती है तो हम लोग एक विश्वास रखता है कि जो एक सही और तथ्यात्मक जानकारी किसी भी घटना की हम लोग के पास आप लोगों के माध्यम से सर्वप्रथम पहुँचेगी, आसानी हो जाती है कि हम किस प्रकार से कोई भी कार्रवाई अमल में लाएँ। जैसे कि पूरा मुहर्रम का त्यौहार यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी बेहद स्तर से मुहर्रम की जरूरत से चलती है, टाइम परेशानी न हो, कोई भी वर्ग में किसी भी प्रकार की विपूर्ण मांगना उत्पन्न न हो, तो वो आप लोगों की मदद से हम लोगों ने को काफ़ी हद तक समाचारपूर्वक चलती है। आने वाला समय दिसंबर लास्ट अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक तक काफ़ी ज़्यादा त्यौहार हैं, मतलब शुरुआत करें तो दुर्गा पूजा, उसके बाद से दशहरा, फिर दीपावली, लक्ष्मी पूजा, उसके बीच में क्योंकि आप लोग सामाजिक क्षेत्र से आते हैं और हमारे आयोजक हैं तो हमें वो भी आपसे काफ़ी जुड़े मिले रहते हैं, शायद हमसे उनकी बात कहने से या फिर पुलिस थाने में उनकी बात कहने से वो अपना रहते हैं, तो आप भी उनकी गतिविधियों को देख कर उनके जो अपराधों को देख कर एक मतलब के अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उनकी क्या मंशा है त्यौहार को सही तरीके से भी बनाने के लिए। आगे उनकी अगर सूचना हम लोग तक आ जाएगी तो उसको हम लोग अकॉर्डिंगली एक्ट करने में, नियमानुसार कार्रवाई करने में हम लोग की आसानी हो जाती है, और रिमर्स करने से बच्चों ज़्यादा लोग उसमें जुड़ जाते हैं तो वो छुट्टी से जिम्मेदारी रहती है, तो सरकार को जाना बहुत आसान रहता है, बड़ी आगे का विज्ञान पता ले लेती है। आप सभी लोगों के पास हमारा नंबर, आपके संबंधित सी ओ साहब का नंबर, आप लोग अपने सोसाइटी में आप लोगों का नंबर, थाने स्तर का नंबर होना चाहिए आपके मोबाइल में। आप सुनाएंगे प्रसाद लेंगे इतने लेंगे, उसे अपनी आस्था है, उसे अपना बताइए की स्थापना कर दिया। कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई अगर मूर्ति स्थापना करेगा तो उसके साथ उनकी प्रेरित होकर वो करते हैं कि भाई हम इस तरह से स्थापना करेंगे, एक बड़ा हमारा एक कार्यक्रम बनेगा, लोग हमारा नाम जाएगा और आगे हमारे इस तरह से फायदा रहेगा। हाँ, सिविल डिफेंस के सभी मतलब है कि पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रखी गई थी जो हमारे आने वाले 45 दिनों में महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उनको सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए और सभी को मोटिवेट करने के लिए ये बैठक रखी गई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुट के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने बताया कि शिक्षा का निजीकरण बंद किया जाए तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शिक्षा दर्शन के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा का समस्त व्यय सरकार के द्वारा वहन किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, इस तरह कुल 18
12 मांगे हैं, इसको शासन पूरा करे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हीरालाल प्रसाद गौड़, कोषाध्यक्ष अनंत मौर्य, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुज के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा, हमारे मध्य दो शिक्षिकाएं बहने हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग माँ शक्ति आगे आ जाए, आगे कहीं उनको स्थान दिला दीजिए, आगे बैठ जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, संघर्ष के लिए, और वो भी संघर्ष किसके लिए, दूसरों के लिए लोग करते हैं, हम स्वयं के लिए संघर्ष करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतिहास गवाह रहा है, बिना संघर्ष के किसी को कोई चीज नहीं मिली है आज तक, इसीलिए कहा गया है जीवन संघर्ष है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, प्रकृति भी हमें यही सूचित करती रहती है अपने छोटे छोटे संकेतों से कि अगर कुछ चाहिए तो संघर्ष करो। चींटी अपने से 100 गुना भारी बोझ उठा लेती है, परंतु अकेले नहीं, एक पूरा समूह लेकर चलती है और बहुत सारे चीजों को वो साकार करती है। तो हमें संघर्ष करना है, अकेले अकेले नहीं हो सकता, चींटी की तरह करना होगा, हमें समूह बनाना होगा और एक साथ अनुशासित होकर के ही संघर्ष करना होगा, तभी हम अपनी बात को सशक्त तरीके से किसी के समक्ष रख सकते हैं। और सत्ता हमेशा जो है बहरी ही होती है, उसे अपनी आवाज सुनानी पड़ती है, अकेले शोर करके कुछ नहीं होगा, जितना समूह होगा शोर उतना ही तेज होगा और उतना ही गहरा आघात करेगा, उतना ही तेज प्रभाव डालेगा। ताकि सत्ता के साथ में भी है जो हमारे लोकतांत्रिक सरकारी हैं, तो निश्चित तौर से हमारा विचार होगा, कुछ हमारे पक्ष में भी होंगे, कुछ विपक्ष में भी होंगे, उसके साथ भी है, फिर भी उसकी जो गलतियां हैं अगर आप नहीं इंगित करेंगे तो कौन करने आएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, ठकुराई गुट जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, शिक्षक संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदीश पांडे ठगुराई, जगदीश पांडे ठगुराई प्रदेश अध्यक्ष। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर? देखो 18 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक ठगुराई गुट आज प्रदेश के सभी जनपदों में धरना देकर अपने आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। यह 18 सूत्री मांग जो है, इसमें पहला है शिक्षा का निजीकरण बंद करो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा पर संपूर्ण भार सरकार करे। बता देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ आप लोगों सबसे कि ये सरकार एजुकेशन टाउनशिप लागू करके शिक्षा में पूंजीपतियों का प्रवेश कर रही है। योगी सरकार ने भी इस प्रदेश में 5 एजुकेशन टाउनशिप खोलने का प्रावधान किया है जो विदेशी पूंजीपतियों के हवाले हो रहा है। और अगर गोरखपुर में एक ज़िले में मान लो एजुकेशन टाउनशिप खुल गया तो वहाँ पढ़ाई फ्री तत्काल, आवासीय व्यवस्था होगी, सारी शिक्षा होगी केजी टू पीजी, और ये पूंजीपति चलाएगा तो ये स्कूल तो बंद हो जाएंगे। तो चूँकि पूंजीपति आएगा तो बिजनेस कंपटीशन में वाले वाले माफ़ कर देगा, 3 साल बाद फिर लगा देगा फीस। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और उन्हीं के आका, उन्हीं के पितामह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल जी ने कहा है कि शिक्षा पर संपूर्ण व्यवहार सरकार का हो, हमारी मांग है संपूर्ण व्यवहार सरकार का हो। दूसरी बात यह है कि यही हाल पेंशन का है, हमारे वेतन से कटौती 10% करते हैं, 14% सरकार देती है, ये 24% अरबों खरबों रुपया इस देश का शेयर मार्केट में जा रहा, शेयर मार्केट माने पूंजीपति, तो हमारे पैसे से पूंजीपति पूंजी बाजार चलाया जा रहा है, इसको हम नहीं चलने देंगे, इसको बंद किया जाना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहिए। हमारी तीसरी मांग है कैशलेस चिकित्सा, ये सबको दिया है, हमको भी दीजिए। एडहॉक टीचर्स 3300 में जो विनियमित हुए हैं, सारे विनियमित को कहते हैं हम जोड़ेंगे, अब कहते हैं हम पेंशन नहीं देंगे,
ये ऐसे 18 सूत्री मांग पत्र है, इसको लेकर के हम लड़ रहे हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को निदेशालय पर धरना देंगे और उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। और अगर इसके बावजूद ही सरकार नहीं चेती तो निश्चित कह रहा हूँ आप लोगों से कि इसमें शिक्षा से जुड़े हुए सारे लोगों को हम जोड़ेंगे, चाहे वो छात्र हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे कोई भी हो, ये सबको जोड़ करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पूंजीपतियों का नींद हराम कर देंगे, ये तय किया हमने। धन्यवाद। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंटर ड्यूज महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को पूल बी के मैच में धर्म स्पोर्टिंग व घोसी एकादश के बीच पहला मैच खेला गया। दोनों टीमों का संघर्षपूर्ण मुकाबला लगभग मैच के निर्धारित अवधि तक बराबरी का रहा, परंतु खेल के अंतिम मिनट में घोसी एकादश के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी द्वारा हैंडलिंग द बॉल का फाउल हुआ, जिस पर निर्णायक द्वारा धर्म स्पोर्टिंग को डायरेक्ट फ्री किक का एडवांटेज मिला। गोल पोस्ट से 35 गज की दूरी से धर्म के खिलाड़ी अनिल ने शानदार पावरफुल किक से गेंद को गोल पोस्ट में डालकर धर्म स्पोर्टिंग को 1-0 से विजय दिला दी। दूसरा मैच सेंट जूड्स स्कूल व एमपी फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ के 29वें मिनट में सेंट जूड्स के आयुष गुरंग ने गोल करके अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। मैच के उत्तरार्ध के 33 मिनट में सेंट जूड्स के मृदुल यादव ने दूसरा गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया, परंतु 55 मिनट में अनुज ने एमपी फुटबॉल क्लब के लिए गोल करके स्कोर 2-1 कर दिया। अंत में सेंट जूड्स 2-1 से विजयी रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने कहा, मैं हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर। आज ये गोरखपुर फुटबॉल लीग का जो मैच है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बीच एक खिलाड़ी उदय यादव, जिसकी आयु 18 वर्ष की थी, उसकी अकस्मात निधन हो गई रात में। तो ये प्रतियोगिता का मैच शुरू करने के पहले दोनों टीमों ने घोसी 11 और धर्म स्पोर्टिंग और जो भी दर्शक थे, एक शोक संवेदना व्यक्त करते हुए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। उसके तत्काल बाद ये प्रतियोगिता के बी पूल का मैच घोसी एकादश और धर्म स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब के बीच खेला जा रहा है। संघर्षपूर्ण मुकाबला, गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में ये आयोजित लीग, आज 25वां मैच है ये, और इसके तुरंत बाद 26वां मैच होना है, मैच नंबर 26, जो सेंट जूड्स और संत एमपी फुटबॉल क्लब के बीच होना है। आपको बताना होगा कि ये मैच इनॉग्रल मैच था एमपी कॉलेज और सेंट जूड्स का, लेकिन एमपी कॉलेज को सुब्रतो कप जाना था तो उनका मैच शिफ्ट किया गया, वो मैच नंबर 1 था, उद्घाटन मैच। उनकी जगह चिरगावां एफसी ने मैच खेला था सेंट जूड्स के अगेंस्ट, और एमपी कॉलेज को आज ये मैच दिया गया। तो एमपी और सेंट जूड्स का आज मुकाबला दूसरा है इस मैच के तुरंत बाद।
जनपद में मंगलवार को झमाझम हुई बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिला, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में बारिश हुई है, जो कि अगले दो दिनों तक और बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से गोला तहसील के 25 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसका SDM व तहसीलदार लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य के लिए 18 नाव लगाया गया है। उन्होंने कहा, आकाशीय बिजली के कारण कुछ जगहों पर जनहानि हुई थी। जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं, उन्हें राज्य आपदा मोचन निधि से 4,00,000 की सहायता राशि उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी जो जनपद में वर्षा हुई है उसके कारण नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ा है और इस समय घाघरा नदी अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है, जिसके कारण हमारे तहसील गोला के क्षेत्र के लगभग 25 ग्राम बाढ़ से अभी प्रभावित हुए हैं, जिनमें संबंधित उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार साहबान क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और जो भी वहाँ पर आवश्यक सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहाँ पर अभी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार तकरीबन 18 नावें वहाँ पर लगाई जा चुकी हैं और समुचित समुदाय को जो भी मतलब उन्हें ज़रूरत है वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सर, कहीं से जनहानि या कोई नुकसान नहीं? जैसे आकाशीय विद्युत के कारण कुछ जगहों पर जनहानि की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन भी तहसीलों के माध्यम से कराया जा रहा है और जो भी व्यक्ति उससे प्रभावित हुए हैं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन से 4,00,000 रुपये सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। SDF के नाम पर शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी बताकर रंगदारी वसूलने वाले राजकुमार यादव, रुद्र प्रताप यादव उर्फ RP और गिरधारी लाल जायसवाल सहित 3 अभियुक्तों को SDF और कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आर्मी में उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के नौजवानों को फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर भाग जाने के आरोपी शातिर अभियुक्त नन्हेलाल यादव को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्राइवेट बसों से अवैध वसूली की शिकायत पर SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने प्राइवेट बस स्टैंड का किया निरीक्षण। कहा, अवैध वसूली करने वाले एक अभियुक्त को सोमवार को भेजा गया है जेल, बाकियों की जुटाई जा रही है जानकारी, की जाएगी कार्यवाही। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत SP ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया विशेष वाहन चेकिंग अभियान, 600 से अधिक वाहनों का किया गया चालान। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, वाहन चलाते समय अवश्य करें यातायात नियमों का पालन। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने गहन परीक्षण के बाद गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग को घोषित किया मेंटर इंस्टीट्यूट, बना पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला मेंटर इंस्टीट्यूट। अब तक प्रदेश के सिर्फ 12 नर्सिंग कॉलेज ही बने हैं मेंटर इंस्टीट्यूट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य नर्सिंग कॉलेजों का करेगा मार्गदर्शन। ब्रह्मपुर ब्लॉक के 4 विद्यालयों का DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने किया निरीक्षण, जांचा अध्यापकों व बच्चों की उपस्थिति, भोजन की गुणवत्ता को किया चेक। कहा, रिपोर्ट जिलाधिकारी को किया जा रहा है प्रेषित। तीन
3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय महिला हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल की अंतर मंडलीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। महिला हैंडबॉल में अयोध्या ने बस्ती मंडल को तथा बास्केटबॉल में गोरखपुर ने वाराणसी मंडल को पराजित करके बनी चैंपियन। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, स्पोर्ट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत है जरूरी। स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत शास्त्री चौक पर चलाया गया सफाई अभियान। दुकानों के बाहर रखे कूड़े को किया गया साफ, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। आगामी दुर्गा पूजा, विजयदशमी, लक्ष्मी पूजा व छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग की बैठक सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, प्रत्येक स्थानों पर साधारण कपड़े में सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन, रखेंगे अराजक तत्वों पर अपनी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ छकुराई गुज के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में धर्म स्पोर्टिंग ने घोसी एकादश को 1-0 से तथा सेंट जूड्स स्कूल ने एमपी फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर पूरे अंक किए हासिल। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। और मंगलवार को ही झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को मिली निजात। भारी वर्षा के कारण गोला तहसील के 25 गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, राहत सामग्री करवाया जा रहा है उपलब्ध। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।